किशोर अभिषेक और शिवम साइकिल पर पैजनिया रोड स्थित इंटर कॉलेज के पास अपने खेत से वापस घर लौट रहे थे। तब वह चांदपुर चुंगी पर पहुंचे तो नूरपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने उन्हें कुचल डाला, जिनमें अभिषेक की मौके पर मौत हो गई जबकि शिवम गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पुलिस ने आनन फानन में घायल शिवम को सीएससी में भर्ती कराया, जहां से हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे मृतक के परिजन और मोहल्लेवासियों ने कंटेनर चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर चांदपुर चुंगी पर जाम लगा दिया। गुस्साए परिजन और मोहल्लेवासी आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। जाम लगाने की सूचना पर उप जिला अधिकारी धीरेन्द्र सिंह, सीओ अजय अग्रवाल सहित आसपास के थानों की पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। आपको बता दें, जाम लगा रहे मोहल्लेवासियों को एसडीएम और सीओ ने समझाकर शांत करवाया। बिजनौर से हमारे संवाददाता प्रीतम सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रीतम, ये हादसा कैसे हुआ और क्या कंटेनर चालक की लापरवाही इस हादसे में साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि ये जो युवक हैं सड़क क्रॉस कर रहे थे खेत से और उसके बाद ये हादसा हुआ। जी सर, मैं बताना चाहूंगा सर आपको, ये युवक बच्चे अपने खेत से घर के लिए आ रहे थे। हाँ बताइए। रोड क्रॉस करते समय सर कंटेनर की तेज रफ्तार ने बच्चों को रौंद दिया, इसमें एक बच्चे की मौके पर मृत्यु हो गई जी और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको बिजनौर रेफर करा दिया गया है। जी प्रीतम, ये बताइए, पुलिस ने क्या किसी के खिलाफ मामला दर्ज किया है हादसे के बाद? क्या कंटेनर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है? जी, कंटेनर जो चालक था वो मौके से फरार हो गया है, तो पुलिस ने अज्ञात में उसके मुकदमा दर्ज किया है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।